नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। गलती हो गया सर, माफ करिए। तेरा उम्र कितना है, उम्र बता दो। मेरा तो आधार कार्ड हरा गया सर। उम्र कितना है मेरा? तो अभी सर 18 पूर्ण होने वाला है। 18 का नहीं, तू झूठ बोल रहा है। दोस्तों, आप तस्वीर में दो अलग अलग स्क्रीन पर दो अलग अलग तस्वीर और विजुअल देख सकते हैं। यह तस्वीर और विजुअल कुछ रंग रोगन काम का है। इसमें क्या कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आगे मैं बताऊंगा। इससे पहले बता दूं कि वसई विरार महानगर पालिका मैराथन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू है। आगामी रविवार को वसई विरार महानगर पालिका मैराथन का आयोजन होने वाला है, जो एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है। और इसके लिए वसई विरार महानगर पालिका ने अलग अलग कॉन्ट्रेक्टर के मार्फत सुशोभीकरण, रंग रोगन इसका काम दिया हुआ है। अब ये कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से काम कर रहे हैं उसका नमूना आप इस वीडियो में देखिए। इस वीडियो में दो अलग अलग विजुअल आप देख रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीर देख रहे हैं। एक तस्वीर है एक नाबालिग लड़के की। वो नाबालिग लड़का वसई पंचवटी से लेकर वसई ईस्ट की तरफ जाने वाले वसई ब्रिज, उस पर रंग रोगन का काम कर रहा था। मैंने खुद लाइव उसको देखा और उससे सवाल किया तो मुझे मालूम पड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर है, दूसरी तरफ जो तस्वीर दिखाई दे रही है, यह है वसई वसंत नगरी की। वसंत नगरी गेट पर आप देखिए किस तरह से बिल्कुल लापरवाही से, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, चलते ट्रैफिक में इस गेट का सुशोभीकरण किया जा रहा है। तो वसई विरार महानगर पालिका ने जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में इन चीजों का समावेश नहीं किया कि आप किस तरह से काम करोगे? क्या ये दोनों चीजें सही है? एक नाबालिग लड़का, जिसकी उम्र के लड़के, कई लोग लड़के जो अलग अलग कॉलेज या स्कूल के तौर पर इस मैराथन में भाग लेंगे, और शायद इस लड़के के मन में भी ऐसा हो कि मुझे भी मैराथन में भाग लेना चाहिए, और इसकी अपनी मजबूरी कुछ रही होगी कि यह इस तरह का काम कर रहा है। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्टर इससे काम लेकर कोई गुनाह नहीं कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ जो विजुअल है उसमें आप सीधा देख ही सकते हैं किस तरह से बिना किसी सेफ्टी उपकरण के चलते ट्रैफिक में ऊंचाई पर काम किया जा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता कभी हादसा हो और कोई एक भी मजदूर गिर पड़े, तब क्या हो सकता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह का काम ये कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, और उसके बावजूद महानगर पालिका कर्मचारी अधिकारी, एक नियम यह भी है कि महानगर पालिका अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है तो उसको वॉच करने के लिए कम से कम एक अधिकारी, एक कर्मचारी की नियुक्ति होनी चाहिए कि वो उस पर ध्यान रखे कि किस तरह का काम हो रहा है। लेकिन वसई विरार महानगर पालिका के कर्मचारी इस समय वसई कला क्रीड़ा में व्यस्त है, और पूरा का पूरा उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे छोड़ दिया है, और खुद कॉन्ट्रैक्टर जगह पर मौजूद नहीं है, और किस तरह का काम चल रहा है आप देख सकते हैं। इस नाबालिग लड़के से मैंने सवाल जवाब किए तो इस नाबालिग लड़के ने अपने आप को खुद को 18 के ऊपर का बताया। जब मैंने इससे इसका आधार कार्ड पूछा तो फिर बोलता है कि नहीं, मेरा आधार कार्ड गुम हो गया और मैं 18 अभी पूरा हुआ नहीं है, होने वाला है, बहाना करने लगा। हालांकि नाबालिग लड़का डर गया तो कैमरे पर मेरे से माफी मांग रहा था। बोला, मेरे को माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं कुछ तुमको ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो कैमरे पर इस तरह से और काम छोड़ के उस समय वहां से चला गया नाबालिग लड़के। मैं पहले भी कहा कि नाबालिग लड़का जो काम कर रहा था, शायद उसकी पारिवारिक मजबूरी होगी, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो सकती है कि उसको काम करने की जरूरत है। लेकिन क्या हमारा प्रशासन इतना अक्षम है कि ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे नहीं बढ़ा पाए? जिस मैराथन में लाखों रुपए के पारितोषिक वितरण किए जाएंगे, उसी मैराथन में पेट भरने के लिए एक नाबालिग रोड पे कलर करता दिखाई दे रहा है, क्या ये शर्मनाक नहीं है हमारे सिस्टम के लिए? ये मेरा सवाल है। और दूसरी तरफ वो कॉन्ट्रैक्टर
अब ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर एक ही है कि अलग अलग मुझे नहीं मालूम, लेकिन दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर उतने ही गुनहगार है। एक कॉन्ट्रैक्टर जिसने नाबालिग बच्चे को काम पे रखा, तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर बिना सेफ्टी उपकरण के अपने मजदूरों की जान जोखिम में डालकर उनसे काम ले रहा है। निश्चित ही इन कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी इस समय पर काम करके देने का दबाव होगा, ये बात समझ सकते हैं, लेकिन क्या उनको प्रॉपर लेबर नहीं मिल सकती थी, या कुछ पैसा बचाने के लिए उन्होंने जानबूझकर इस तरह का काम किया, ये सवाल है मेरा। इस वीडियो को महानगर पालिका अधिकारी तक पहुंचाइए ताकि उनकी आंख खुले और भविष्य में इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने नहीं आए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ अपना। किस कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम कर रहे हो? अरे हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ना नाम बताओ, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, क्या काम? गलती हो गया सर, माफ करिए। तेरा उम्र कितना है, उम्र बता तू। मेरा तो आधार कार्ड हरा गया था। उम्र कितना है? मेरा तो अभी सर 18 पूरा ही पूरा होने वाला है। 18 का नहीं, तू झूठ बोल रहा है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।